आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज रेट्स, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जो हमारी कंडीशन है वो क्या कहती है उस पर हम चलते हैं। जैसे हमने गायत्री कंप्यूटर से एक लैपटॉप खरीदा और उसमें जो हमारे सभी ग्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि हम आपको जो लैपटॉप दे रहे हैं उसमें कुछ कंडीशन है, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा और जो इंटरेस्ट की कंडीशन है वो इस प्रकार की है। यदि आप सबसे पहले तो हम समझते हैं परचेज डेट हमारी 1 अप्रैल और आइटम हमारा एक लैपटॉप हमने लिया है एचपी का जिसका प्राइस है 40,000 और इस लैपटॉप पर 28% जीएसटी हम पे कर रहे हैं, यानी इस प्रकार से अमाउंट बन रहा है हमारा 51,200 रुपये। अब हमारे सैलरी क्रेडिटर का कहना है कि यदि आप ये इस अमाउंट को 1 महीने के अंतर्गत दे देते हैं, यानी 1/4 से 1/5 तक पे कर देते हैं, तो इस पर आपको 1% इंटरेस्ट देना है। और यदि आप इसको नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, यानी 2/5 से 1/6 तक पेमेंट करते हैं, तो आपको 2% इंटरेस्ट देना होगा। तो जो फर्स्ट मंथ है इसका 1% देना होगा और नेक्स्ट मंथ का आपको 2% देना होगा। इसी प्रकार इससे नेक्स्ट मंथ में करते हैं तो आपको 3% इंटरेस्ट देना होगा और इसके बाद आप 2/7/2021 से 31 दिन तक के लिए अलाउ कर दे कि इसके बाद जब भी आप पे करेंगे तो आपको 5% इंटरेस्ट यहाँ पर देना होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार के कैलकुलेशन को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करें आइए देखते हैं। चलते हैं टैली स्क्रीन पर। यहाँ पर हम एक वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और इसके लिए हम वाउचर में जाएंगे और वाउचर के अंतर्गत हम यहाँ पर 25 आइटम इनवॉइस में एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम ये यस करते हैं और इसमें हम डेट देख लेते हैं, डेट सेट कर देते हैं 1/4 में हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं हम गायत्री कंप्यूटर से और गायत्री कंप्यूटर को हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर के साथ और यहाँ पर हमारी जो टर्म कंडीशन है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो गायत्री कंप्यूटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पैरा यूज करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे। देन हम यहाँ पर इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यहाँ पर यस करेंगे। देन यहाँ पर कैलकुलेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन इसको भी यस करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर फॉर इस ट्रांजेक्शन इसको भी यस करेंगे और यहीं पर ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, यदि एडवांस पैरामीटर नहीं आता है तो हम F12 प्रेस करेंगे और यूज एडवांस एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर को यस करेंगे जिससे ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। देन हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लागू करते हैं और पहला हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाई डिफॉल्ट है 1% का, इसको हम कैलेंडर मंथ पर लेते हैं और क्रेडिट बैलेंस पर हम इसको लागू कर रहे हैं। अब जब आप एडवांस पैरामीटर यूज करते हैं और राइट एडवांस पैरामीटर यस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें एक और नया ऑप्शन आ जाएगा, वो है आपका डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, यानी आप एंट्री के समय यहाँ पर जो डेट है उसको लागू कर दें। तो ये ऑप्शन हम एक्टिवेट करेंगे। आप चाहे तो इसमें राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग मेथड यूज कर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पर करना होगा। देन हम परचेज वाउचर रिकॉर्ड करें और इसमें हमारा जो भी आइटम है अल्ट सी से हम आइटम बना लेंगे एचपी लैपटॉप, अंडर ग्रुप हमारा चला जाएगा लैपटॉप, इसको एक्सेप्ट करेंगे। देन यूनिट मापक इकाई पे हम ले लेते हैं लॉस और जीएसटी कैलकुलेशन इस पे हम करेंगे वैल्यू टैक्सेबल, यहीं पर हम F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम शो करेंगे शो ऑल जीएसटी टैक्स,
यस करेंगे ऑन वैल्यू, और यहाँ पर हम डाल दें 28%, है देन इसको एक्सेप्ट करें। क्वांटिटी एक हमने परचेस किया, रेट है हमारा 40,000, और इस पर अब हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अल्ट सी से एक लेजर बना लेते हैं, जीएसटी में सी जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स में चला जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे, इसी प्रकार अल्ट सी से एस जी एस टी क्रिएट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स में जीएसटी लेंगे, स्टेट टैक्स कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारा 51,200 हो गया है, देन एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, ध्यान रहे कि यहाँ पर आइटम एलोकेशन आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करिए और यहाँ पर यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन इसको नो कर दीजिए, तो ये डिफॉल्ट एलोकेशन ना होते हुए आपसे एंट्री करवाएगा, आपसे रिकॉर्ड मांगेगा। हम ये बिल नो करते हैं ये, और यहाँ पर न्यू रिफ्लेक्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे। ड्यू डेट यदि हमें यहाँ पर क्रेडिट डे मिलते हैं तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन हमारे आज के क्वेश्चन में कोई क्रेडिट डे नहीं है तो हम इसको एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट पैरामीटर लागू होगा जो एडवांस था, उसमें हमने 1% का रेशियो हमने दिया कैलेंडर मंथ, और इसमें क्रेडिट ओनली हमने लिया है। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट हम निर्धारित करते हैं, तो स्पेसिफिक डेट में जो हमारा एक्सेल शीट कहता है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से 1 मई तक का हमारा कैलकुलेशन कितना रहेगा, 1%, तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 अप्रैल से 1/5/21 तक का, इसमें राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग है। देन 2% कब से कब तक, इसमें भी कैलेंडर मंथ है, और क्रेडिट साइड ऑलवेज यहाँ पर भी हम स्पेसिफिक डेट लेंगे। अब 1 मई से हम यहाँ पर 1/6 डाल देते हैं, 1/6 तक का नॉर्मल राउंडिंग। आप चाहें तो यहाँ पर ये 1 मई का हो गया तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 2/5, 2 मई से 1 जून तक का नॉर्मल राउंडिंग 1, और फिर 3% का रेशियो हम डालेंगे कैलेंडर मंथ में। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज स्पेसिफिक ड्यूरिंग एंट्री, यहाँ पर भी आप 2/6 कर सकते हैं से, तो 1/7 तक का। ये हमारी तीसरी कंडीशन इस पर लागू हो चुका है, नॉर्मल राउंडिंग हम लेंगे, इसके बाद 5% कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड ऑलवेज, और स्पेसिफिक ड्यूरिंग एंट्री यहाँ पर हम लेंगे 2/7 से, तो 31/3/2021 ये एंट्री हमने होगा रिकॉर्ड 21, सॉरी ये नहीं लेगा 22 में चला जाएगा, वित्तीय वर्ष में जब भी दें तो कितना परसेंट लगेगा, 5% नॉर्मल राउंडिंग 1 करेंगे देन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया है और इसको रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये 1 अप्रैल को हमने किया है। अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, इसके लिए हम प्रेस करेंगे डी एस आई और ट्रेस पेबल में जाएंगे, और यहाँ पर डेट देखते हैं 1 अप्रैल से 1/5 के मामले में, देखिए 512 रुपये आ रहा, एंटर करेंगे, रिकॉर्ड दिखा रहा है 512, एक्सेल सीट में जो कैलकुलेट हुआ वो भी 512 ही है। अब हम डेट चेंज करते हैं 1/6 के डेट में, तो यहाँ पर 991 आ रहा है, एक्सेल में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, 1020 आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे डेट में कोई कैलकुलेशन में टेक होगा, इसलिए यहाँ पर कुछ अमाउंट जुड़ के आया है। ये है 3 मई से इसने कैलकुलेशन किया है, हाँ इसलिए यहाँ पर अंतर आ गया है, तो हमें 1 मई ही देना था पड़ेगा ताकि हम ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करें। 1 दिन का यहाँ को ब्याज छोड़ दिया गया है क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 दिन एक्स्ट्रा है, तो उसको इसने छोड़ दिया है, कैलेंडर हमने मंथ पे लिया है इसलिए, तो हमें यहाँ पे संशोधन करना होगा। लेकिन सही मामले में देखा जाए तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर सही है, हम इसको भी ठीक कर लेंगे। कैलेंडर मंथ ले रहे हैं तो फिर हमें एक एक ही यहाँ पर डालना होगा। चलिए हम चलते हैं वापस से
अल्टर में जाएंगे और लेजर के अंतर्गत गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर 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 और इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले पैरा पे जाएंगे। सॉरी नहीं, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ नहीं, हमारी वाउचर पे भी जाना होगा हमें, क्योंकि वहाँ हमने डाला है डिस्प्ले के अंतर्गत, यहाँ पर स्टेटमेंट अकाउंट, सॉरी अकाउंट बुक के अंतर्गत, और यहाँ पर जाना होगा आपको परचेज की जो वाउचर एंट्री है, परचेज की एंट्री को आप ओपन करिए, देन एंटर करिए और इसी में आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 मई से 1 मई तक, कल 1 अप्रैल से 1 मई लिया है, फिर यहाँ पर हम डालेंगे 1 मई से 1 जून, एक जून से 1 जुलाई, और स्पेसिफिक डेट 1 जुलाई से 31 मार्च। ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, चलिए अब हम DSI इंटरेस्ट पेबल F2, 1-5 में तो वही आया है, और एक 6-7 में हम देख लेते हैं, एंटर करेंगे। ये देखिए अब हमारा सही कैलकुलेशन आया है, 2212, 1024 और 1536। हम देखते हैं ये 1536, तो अब हमारा ठीक है। यदि अब आप 31 मार्च तक का देखते हैं तो क्या इसी प्रकार से आएगा? F2 प्रेस करेंगे 1 अप्रैल से 31/3/2022 के मामले में क्या देखते हैं, तो 2022 के मामले में यहाँ पर पूरा 22,957 रुपया आया है, और हम यहाँ पर एंटू करते हैं, इंटू कितने भी मंथ हमारा शेष बचता है, 23,040 आया है, जबकि हमारे इसमें 31 तक का देखा है लकी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मंथ में आप कैलकुलेशन देखेंगे, यदि आप 1-8 में देखते हैं तो ये 2560 रुपये आए हैं, जो आपका एक्सेल कह रहा है 25, सॉरी ये 2560 है। तो इस प्रकार अलग अलग कंडीशन के आधार पर यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट में इसका पूरा टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 5,632 रुपये, जिसका आप चाहें तो जेबी पास कर दीजिए, या इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको क्लास में लेकर के इंटरेस्ट क्लास के आधार पर इस अमाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो यदि हमें इस अमाउंट को 1 अगस्त को 5,632 में लेना है, तो किस प्रकार से हम इसको पे करें? 5,632 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अगस्त को, चलिए तो इसको कैसे पे करना है, तो सही तरीका इसका क्या हो सकता है, वो है हमारा क्लास। तो हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ पर वाउचर टाइप में, और इसके लिए हम लेंगे क्रेडिट नोट, देन एंटर, और एक यहाँ पर इंटरेस्ट क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर हम यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको हम यस करेंगे, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब हम एक वाउचर एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम इंटरेस्ट क्लास के अंतर्गत लेंगे, देन गायत्री कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे और पहले डेट चेंज कर लेंगे 1-8 में, ये देखिए 5,632 रुपये आ गया है, एंटर करेंगे और यहाँ पर न्यू रेफरेंस में हम डाल देते हैं, इस पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का डेट पहले डाल दिया है, यहाँ पर हमें नहीं डालना है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया है। यदि हम एक और वाउचर यहाँ पर पेमेंट का जनरेट करते हैं, तो कैश पेमेंट गायत्री कंप्यूटर, अमाउंट डिटेल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर F12 प्रेस करके प्री अलॉटेड ऑप्शन को यस कर सकते हैं आप, प्री अलॉटेड, और बिल वाइज शो बिल वाइज सिलेक्शन, इसको भी यस करेंगे। बिल वाइज काउंटिंग है, जिसके बारे में हमने पहले समझ लिया है, शो बिल वाइज डिटेल, इसको भी आप यस कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए, ये अगेनेस्ट बिल में आ जाएगा। टोटल आ रहा है हमारा 56,832 रुपये, जिसमें हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी है। तो इस प्रकार से आप जो है कि इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।